सो हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, आज की इस वीडियो में ऑर्गेन्जा सिल्क साड़ी जो है उसकी ड्रेपिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम अच्छी तरीके से परफेक्टली ड्रेप करेंगे, जिसके चलते आपकी जो ड्रेपिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। क्योंकि ऑर्गेन्जा जो साड़ी होती है वो अक्सर फूलती है, फ्लफीनेस उसमें बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहले इस तरीके की साड़ी को वेयर करने के लिए हम अच्छी तरीके से शेप वेयर पेटीकोट वगैरह अगर आपके पास है तो ज़रूर वेयर कर लीजिएगा, और नहीं है तो नॉर्मल भी हम वेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हील्स वगैरह मैंने वेयर कर ली है, और फर्स्ट राउंड जो है वो हमने बेसिकली अच्छी तरीके से लिया है, कहीं पर भी फ्लफीनेस नहीं है। अब हम चलेंगे इसके पल्लू की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप ओपन पल्लू रखना चाहते हैं तो आपको सेंटर प्लीट जो है वो अच्छी तरीके से बनानी पड़ेगी, और पल्लू का जो पोर्शन है थोड़ा छोटा रखिएगा, जिसके चलते आप उसको अच्छी तरीके से कैरी कर सकेंगे। यहाँ पर मैं प्लीट्स अरेंज कर रही हूँ, जिनको प्लीट्स बनाकर इस तरीके की साड़ीज़ वेयर करना पसंद आता है तो वो कुछ इस तरीके से भी अच्छी तरीके से प्लीट्स को अरेंज कीजिएगा। और यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है वो बनाते वक्त उसकी जो बॉर्डर है उसको लेंगे, और उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि चौड़ाई में हमें कितना रखना है। वैसे तो ऑर्गेन्जा जो साड़ी होती है वो चौड़ाई के जो पल्लूज हम प्लीट्स अरेंज करते हैं उस तरीके में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको अरेंज करना और संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बार बार उस पल्लू को अच्छी तरीके से सेट करना पड़ता है। सो यहाँ पर मैंने नॉर्मली मेरा पल्लू लिया है और अच्छी तरीके से इसको अब हम सेट करेंगे, और सेट करते वक्त इसमें जो फ्लफीनेस है उसको कम करने के लिए आप फोल्ड कीजिएगा इस पल्लू को, और अच्छी तरीके से यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको अरेंज ज़रूर कर लीजिएगा। सो इसी तरीके से हम पूरा जो पल्लू का पोर्शन है वो अभी यहाँ पर सेट कर लेंगे, और इस तरीके का पल्लू भी बहुत सुंदर लगता है, अच्छा दिखाई देता है, सिर्फ इसको अच्छी तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। सो देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने पल्लू का पोर्शन बना लिया है, और इसको थोड़ा सा फोल्डिंग के साथ हम इस तरीके से इसको बनाएंगे ताकि हमारा जो पल्लू का पोर्शन है उसका जो फ्लफीनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और अच्छे तरीके से हमारी जो ड्रेपिंग है वो यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर घुटने से नीचे तक पल्लू का पोर्शन मैं ज़रूर रखना चाहूँगी, और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम पीछे की तरफ पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा जो पल्लू है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो जाए। तो पिन लगाते वक्त एकदम से ऊपर की तरफ शोल्डर पर हमें नहीं लगानी है, सामने की तरफ भी हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर लंबाई में पल्लू बना के रखा था, सो सामने से भी ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। पीछे की तरफ से जो बॉर्डर वगैरह है उसको भी हम लेकर आएंगे इस तरीके से लेफ्ट साइड से, और जो राइट साइड से ये वाला जो फैब्रिक है अभी हमारा जो पल्लू का प्लीट्स वगैरह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूलती है साड़ी, सो यहीं पर आपको अच्छी तरीके से इसको ध्यान देना होगा और अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्रेपिंग करनी होगी। सो पल्लू का पोर्शन बनाते वक्त देखिएगा यहाँ पर जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं ये एक जैसे यहाँ पर दिखाई दे तो ऊपर की जो प्लीट है उसको निकाल लेंगे, और अंदर की जो प्लीट्स है उसी को एक पिन हम यहाँ लगा लेंगे, ऊपर की प्लीट इसके ऊपर इस तरीके से बॉर्डर रख देंगे, जिसके चलते पिन हमारी दिखाई नहीं देगी, साथ ही साथ ये वाली जो प्लीट्स है इसी तरीके से यहाँ पर रहेंगे। अब ये वाली जो बॉर्डर है सो इसको अब हम इस तरीके से लाएंगे, और यहाँ पर प्लीट्स बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका होगा कि बहुत फूलती है साड़ी तो आप कुछ इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज कीजिएगा, राइट हैंड से बॉर्डर को पकड़ लेना है और लेफ्ट हैंड से आप इसको इस तरीके से प्लीट्स अरेंज करते जाएंगे। तो जितनी अच्छी तरीके से आप यहाँ पर प्लीट्स अरेंज करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपकी ड्रेपिंग जो है यहाँ पर फ्लफीनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और एक अच्छी तरीके की ड्रेपिंग आपकी यहाँ पर बन जाएगी, यानी कि कमी वगैरह का पोर्शन निकला हुआ है तो वो भी यहाँ पर हाइड हो जाएगा। आपको ओपन पल्लू रखना है तभी भी आप इसी ट्रिक का यूज़ कीजिएगा जो सेंटर प्लीट्स बनाते हैं तब भी। अब हम सेंटर प्लीट्स को अच्छी तरीके से अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा बेली बटन तक बिल्कुल फैब्रिक नहीं छोड़नी है, राइट हैंड से ही हम राइट साइड से एकदम से इसको स्टार्ट करेंगे फैब्रिक को कुछ इस तरीके से, और बीच पीछे की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक ज़रूर छोड़ देंगे इस तरीके से। अब जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं देखिएगा यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वाली प्लीट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राइट साइड की तरफ भाग रही हैं, सो ऊपर की दो प्लीट ज़रूर छोड़ देंगे और इस तरीके से एक बड़ी प्लीट बना लेंगे। तो ये इस तरीके से प्लीट बनाएंगे तो देखिएगा आपकी जो प्लीट्स हैं वो एक जैसे बनेंगे यहाँ पर, और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम इसको अभी सेट कर लेंगे वन बाय वन। पीछे की तरफ हम एक पिन लगा लेंगे इसको, नीचे भी हमें प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लेना है,
और नीचे की तरफ बॉर्डर वगैरह जो है उसको भी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर सेट ज़रूर कर लेना है। इसका फ्लफीनेस हमें कम करना होगा क्योंकि ऑर्गेंजा जो साड़ी होती है थोड़ी फूलती है, सो इसीलिए हमें इसको, हम अगर सेंटर प्लीट्स अच्छी तरीके से सेट कर पाए तो यहाँ पर फ्लफीनेस बहुत कम रह जाएगी और आपकी जो ड्रिपिंग है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आएगी। अब इसको हम टक इन कर लेंगे तो पीछे की तरफ जो फैब्रिक हमने छोड़ी है ये कुछ, सो इस फैब्रिक को हमें लेना है यहाँ पर और यहाँ पर इसको इस तरीके से खींचना है। तो नीचे की तरफ आप देखिएगा यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो ड्रिप है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आएगी। इसको इस तरीके से लेंगे पोर्शन को और इस तरीके से टक इन कर लेंगे, सो परफेक्टली यहाँ पर ड्रिप हो जाएगा हमारा पोर्शन। और एक पिन हम यहाँ पर लगा लेंगे ऊपर की तरफ फैब्रिक को। अभी जब सेंटर प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं उस प्लीट्स को अब हमें इस तरीके से टक इन कर लेना है सेंटर में। सो लेफ्ट साइड से भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पोर्शन यहाँ पर सेट हो चुका है, बहुत ही परफेक्टली आया है। साथ ही साथ ये जो सेंटर प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं वो भी देखिएगा कि वन बाय वन हमारी कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल भी इसमें फ्लफीनेस नहीं है और एक परफेक्ट यहाँ पर हमारे प्लीट्स हमें जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके से यहाँ पर ये आए हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सेंटर प्लीट्स अरेंज हो चुके हैं। फर्स्ट वाली प्लीट भी आप देख सकते हैं और बाकी के प्लीट्स भी कितने अच्छे तरीके से हमारे ड्रिप हुए हैं। ये वाला जो फैब्रिक है अभी इसको भी हम अच्छी तरीके से थोड़ा सेट कर लेंगे, जो ऊपर की बॉर्डर वगैरह है वो भी। सो आप इसी तरीके से जो सिल्क ऑर्गेंजा साड़ीज होती हैं अगर आप ड्रेप करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके का आपका जो लुक है वो यहाँ पर आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि ये बॉर्डर जो है राइट साइड की तरफ भागने लगती है, तो ऐसा ना हो इसलिए ऊपर की बॉर्डर की नीचे आप इस तरीके से एक प्लेट को एक पिन से के साथ सेंटर प्लेट्स को अटैच कर दीजिएगा, जिसके चलते आपकी जो ड्रिपिंग है वो कम्प्लीटली परफेक्टली यहाँ पर आ जाएगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका जो ड्रिप है वो यहाँ पर दिखाई देगा, कहीं पर भी फ्लफीनेस नहीं है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा जो ड्रिप है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। सेंटर प्लेट्स भी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से अरेंज हुए हैं, पीछे से भी बहुत ही परफेक्टली यह आया है सेंटर प्लेट्स वगैरह पद का पोर्शन भी। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं ऑर्गेंजा साड़ीज़ के साथ इस ट्रिक को। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।